दस बजे किस लिए गए थे? दस बजे नहीं, आठ बजे। आठ बजे किस लिए गए थे सर? वार्ता करने के लिए। राम इतना बड़ा मेरठ में जिसके थाना क्षेत्र में ढूंगी लगी हुई है, दरोगा सिपाही आपका शराबी का दोनों शराबी नशे में थे। आप देखो ना कैसे वो भाषण देखिए। ये घटनाक्रम अलग छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये पूरा घटनाक्रम एक किनारे कर दो। उस व्यक्ति ने कैसे इस वर्दी को जो है बिल्कुल कलंक लगवाया, उस बारे में सोचो आप। हम उसने इस वर्दी पर कलंक लगवाया, हम आप ये सोचो थोड़ी देर के लिए। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि उसके साथ पिटाई हो गई। मैं अलग से अगर हक के बात करूं तो पिटाई उसके साथ गलत हुई, लेकिन पिटाई नहीं होती। लेकिन वो क्या सही पहुंचा वहां पर? इतने 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 कैमरे के सामने अलग हक की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, क्या मेरी बात सुनिए। मेरी बात अध्यक्ष जी, मैं सबसे बात आपको बता दूं कि जो चीजें वहां पे हुई हैं, जितनी चीजें निकल के आई हैं उसके हिसाब से हमने कार्रवाई की है। लूट के आपने गलत, इसके बाद जो चीजें निकली नहीं, लूट के लिए मारपीट कर लेते ना, अच्छा लगता, लेकिन लूट की कार्रवाई गलत किया। उसमें दरोगा जी एक महिला के साथ खाना खाने आए रेस्टोरेंट में, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने फिर कुछ और भी डिमांड करी, खाने के साथ शराब वगैरह भी डिमांड करी जो कि वहां नहीं होती है। उन्होंने एक कमरे की डिमांड भी की और उन्होंने कहा ये नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने कहा स्टाफ को बदतमीजी की गाली गलौज दी और बोले हमें कुछ नहीं खाना। जब स्टाफ ने पैसे मांगे तो और बदतमीजी करने लगे। जो मनीष पवार है मिंटू, फिर स्टाफ ने उनसे कहा कि इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, तो वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा क्या बदतमीजी कर रहे हो? तभी वो जो वीडियो आप देखेंगे उसके अंदर दरोगा जी अपनी रिवाल्वर, सर्विस रिवाल्वर उस महिला को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली मार दे। तब वो वीडियो बननी शुरू हुई और उस महिला ने उनकी तरफ रिवाल्वर की और उन्होंने उसको पकड़ लिया, रिवाल्वर को बचाव में पकड़ लिया। उसके बाद वो बात बढ़ने के बाद दरोगा जी को एक दो चाटों की जो वीडियो वो जब वायरल हुई है वो उसके बाद का पार्ट है। हो सकता था गोली चल जाती। दरोगा को सर्विस रिवाल्वर दूसरे को देने का क्या अधिकार है? ये भी अपने आप में गंभीर एक्ट है। इस पर तो पुलिस को स्वयं संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए। पार्षद जी की गिरफ्तारी हो गई है? पार्षद जी की गिरफ्तारी हो गई है, उसी प्रोटेस्ट में हम लोग आए थे और जो हमारी तहरीर है वो पुलिस ने दर्ज नहीं की थी और संभावना यह है कि वो भी अब दर्ज होगी और हम सब लोग कार्यकर्ता हमारी रिपोर्ट भी दर्ज हो जाएगी तब यहाँ से जाएंगे। देखिए ये कंकड़खेड़ा का मामला है। यहाँ पर एक होटल में आज एक सब इंस्पेक्टर गए थे, वहाँ पे उनके जानने वाले कोई महिला थी, उनके साथ दोनों वहाँ खाना खा रहे थे। खाना खाने के लिए गए थे, उस क्रम में शायद वहाँ के वेटर से कुछ विवाद हुआ और उस विवाद के बाद वहाँ के जो मालिक थे होटल के वो भी आ गए थे। दोनों के बाद जो वाद विवाद हुआ उसमें होटल के मालिक के द्वारा दरोगा की पिटाई कर दी गई। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग तत्काल थाने को सूचना मिली, थाने से लोग गए, दोनों पक्षों को हिलाया गया। हिलाने के बाद उसमें हम लोग मेडिकल कराए। हम लोगों ने जो महिला थी उन्होंने एक तहरीर दी है, उसके उस तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो होटल मालिक है उसको हमने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी बात इस पूरे प्रकरण के विवेचना में आएगी उसके हिसाब से हम कर रहे थे। होटल मालिक जो है वो बीजेपी का पार्षद बताया जाता है, कौन से वार्ड का वो पार्षद है और क्या होटल रहता है? देखिए अभी ये बात बताई गई है कि ये कहीं पे पार्षद है, उसकी जांच कराई जाएगी, ये कल पता चल पाएगा कि कहाँ से पार्षद है, किस वार्ड से पार्षद है। बहरहाल इसमें हम लोगों ने जो अब तक की फाइंडिंग में प्रथम दृष्टया जो चीज़ सामने आई है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो सब इंस्पेक्टर हमारे हैं उनका उस समय वहाँ पे रहना अनुचित था, चूँकि पूरी की पूरी फोर्स हमारे रावण दहन में लगी हुई थी और इनकी ड्यूटी भी शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवानगी थी इनकी, उसके बाद भी ये वहाँ पे थे। तो प्रथम दृष्टया ये माना गया है कि इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अभी इनको हम लोगों ने लाइन हाजिर किया है, उसके बाद जो जांच होगी, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। सर एक वीडियो और है जिसमें वो महिला दरोगा की ही रिवॉल्वर निकाल कर तान रही है होटल वालों को। देखिए मैंने बताया कि उस तहरीर के आधार पर हम लोगों ने अभी अभियोग पंजीकृत कर लिया है और पंजीकृत करने के बाद इस विवेचना में जितनी सारी बातें आएंगी उसमें हम वहाँ के होटल की वीडियो फुटेज भी लेंगे, जो वीडियो आप लोगों के पास है कुछ और भी तरह तरह के वीडियो बताए जा रहे हैं, तो सभी चीज़ों का हम लोग संकलन करेंगे। संकलन के बाद उसका विश्लेषण करेंगे और जो चीज़ सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी तक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, ये क्या है? देखिए हमने अभी उनको हिरासत में लिया है, पूछताछ करते हैं और जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है
उसमें जो धाराएं लगी हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, वो सबकी जांच कर रहे हैं, उसकी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और जो भी फंडिंग्स होगी उसके हिसाब से। सर आखिरी सवाल ये है, क्या सब नशे में थे, होटल मालिक, दरोगा, वो लड़की, सब नशे में थे? देखिए मेडिकल रिपोर्ट अभी आ रहा है, थोड़ी देर में मेडिकल रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाएगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन हमारी चूंकि वार्ता हुई है जो लोग लेके गए थे मेडिकल कराने, उनका ये कहना था कि उसमें ब्लड लिया गया है सैंपल, और ब्लड सैंपल के रिपोर्ट मतलब ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ये निश्चित हो पाएगा कि इन लोगों ने अल्कोहल लिया था। प्रथम दृष्टया लगता है कि अल्कोहल लिया हुआ सब? नहीं, प्रथम दृष्टया बातों में सब लोग बता रहे थे कि दोनों सबने अल्कोहल लिया हुआ था, लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं गया हम कुछ भी नहीं कर पाए।